So this is exercise 5.4. Here we have part number 1, resolve into factors. Ab aapke paas question number 1 ke all parts, means part number 1 till part number 6, question number 3, part number 4 till part number 6, and question number 4, part number 7. Same pattern pe solve honge. In question ko solve karne ke liye, aapke paas jo formula aapne use karna hai, this is a cube plus b cube is equal to a plus b, a square minus ab plus b square. ये फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी 4.10 में पढ़ चुके हैं. सो अब आपने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3, x रेज टू 6 प्लस 64t³. सो अब आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले फॉर्मूले से रिलेट करना है. फॉर्मूले से रिलेट अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टू टर्म्स गिवन है. इट मीन्स ये क्वेश्चन आपके पास क्लोज्ड फॉर्म में गिवन है और आपने इसको ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो स्टेप नंबर 1 में क्या काम करना होता है कि आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है फॉर्मूले की फॉर्म में, और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसे ओपन करना है. सो हियर वी हैव स्टेप नंबर 1. ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है. सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट बनानी है और ब्रैकेट के ऊपर क्यूब प्लेस करना है, देन प्लस का साइन, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. इट मीन्स कि आपने फर्स्ट ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस किया, ये आपके पास ए का ब्रैकेट है, देन प्लस साइन है फॉर्मूले में क्योंकि क्वेश्चन आपके पास प्लस में गिवन है, दैट्स व्हाई. आफ्टर दैट बी क्यूब मीन्स एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे, और ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है आपके पास ये बी के लिए यूज होगा. सो वॉट इज ए एंड वॉट इज बी. अब ए क्या है और बी क्या है ये आपने क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे एडजस्ट करना है. सो हियर वी हैव एक्स रेज टू 6. 6 means cube already यहाँ पे placed है. अब आपने check ये करना है कि 3 की table में 6 कितने times पे आता है, तो 3 की table में 6 आता है 2 times पे. It means अब आपने यहाँ पे place कर दिया x square, और x square place करने के बाद इसे pencil से circle करके इसके ऊपर a place करेंगे. It means a किसके equal है, x square के equal है. After that we have here 64t³. So 64t³ complete यहाँ पे put नहीं करेंगे, बल्कि again आपने इसी तरह से इसकी adjustment करवानी है. Cube already placed है. It means अब आपने check ये करना है कि 64 किस number का cube है, यानी कि कौन सा ऐसा number है जिसको 3 times उसी number से multiply करवाने पे answer आ जाए 64. तो this is 4. आप LCM के through भी इसे check कर सकते हैं. 4 multiplied by 4 multiplied by 4 is equal to 64. ओके, अब आपने 64 की जगह पे यहाँ पे 4 प्लेस कर दिया. आफ्टर दैट वी हैव टी क्यूब हियर. क्यूब ऑलरेडी प्लेस्ड है, इट मींस यहाँ पे आपने जस्ट टी को प्लेस करना है. ठीक है, ओके. अब ये आपके पास ए है और ये आपने बी कंसिडर करना है. हियर वी हैव अ रफ वर्क. ए किसके इक्वल है आपके पास, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और बी इक्वल है 4t के. ओके, अब ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है फॉर्मूले की फॉर्म में. After that, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है. फॉर्मूला ओपन करने के लिए आपके पास है ए प्लस बी, ए प्लस बी. सो द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर. आपने ए की जगह पे प्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर, प्लस साइन आपके पास फॉर्मूले से आएगा. देन वी हैव बी हियर. बी मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज 4t. सो आपने यहाँ पे बी की जगह पे बी की वैल्यू प्लेस कर दी. ओके, ये हो गया ए प्लस बी. आफ्टर दैट वी हैव ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स ये आपके पास ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर. जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करवाएंगे इट विल बिकम एक्स रेज टू 4. ठीक है, अब आपने यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करना है. सो हियर वी हैव एक्स रेज टू 4, देन ये माइनस साइन यहाँ पे कॉपी करेंगे फॉर्मूले का. आफ्टर दैट वी हैव ए बी हेयर. ए बी मीन्स अब आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है. सो द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 4t. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे आपका आंसर आ जाएगा 4x²t. ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस कर दी. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन. ये प्लस साइन आपके पास फॉर्मूले में गिवन है. देन हियर वी हैव बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज 4t. इट मीन्स आपने 4t का स्क्वायर करना है. 4 जब स्क्वायर 4 पे अप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 16, और जब स्क्वायर t पे अप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम t स्क्वायर. सो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4t,
एक्स रेज टू 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर टी प्लस 16 t स्क्वायर। ये आपके पास आंसर कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपके पास गिवन था क्लोज फॉर्म में। स्टेप नंबर वन में आपने इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करवाया, और कन्वर्ट करवाने के बाद आपने इसको फॉर्मूले के थ्रू ओपन कर लिया। Now we have part number 5 here. Question number 1 ka part 5 hai. T raised to 5 plus T square y cube. Kisi bhi question ko solve karne se pehle, sabse pehle aapne ye check karna hota hai ki is question mein common hai. Agar kuch common hai, koi bhi variable, koi bhi number, to aapne sabse pehle wahan se common lena hota hai. So here we have T raised to 5 and here we have T square. T और T कॉमन है, लीस्ट पावर हमेशा कॉमन में लेते हैं, सो यहाँ से कॉमन आ गया T स्क्वायर। T स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद आपने अब यहाँ पे प्लेस करना है रिमेनिंग, सो T 5, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ T इज प्रेजेंट हियर। जब आपने 2 टाइम्स T बाहर कॉमन में प्लेस कर दिया, तो अब आपके पास 3 टाइम्स रिमेनिंग में प्लेस होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हियर वी हैव अ प्लस साइन, देन वी हैव T स्क्वायर y क्यूब। T स्क्वायर आपके पास कॉमन में आ चुका है, इट मीन्स यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा ओनली y क्यूब। अगेन ये आपके पास कॉमन है और ये आपके पास इन टू टर्म्स का रिमेनिंग है। ओके, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे जस्ट कॉमन का था। सेकंड स्टेप पे आपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है फॉर्मूले की फॉर्म में। सो फॉर्मूले की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर का कॉमन, टी स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे। देन कॉमन के बाद कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब आपने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बनानी है। फर्स्ट वन इज फॉर ए एंड सेकंड वन इज फॉर बी। ये ए के लिए यूज करना है और ये बी के लिए यूज करना है, और दोनों के ऊपर क्यूब प्लेस कर दिया क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हियर वी हैव टी क्यूब। टी क्यूब मीन्स क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, इट मीन्स आपने इस ब्रैकेट में जस्ट टी को प्लेस करना है। Then here we have again y cube. Cube already placed है आपके पास. It means here we have only y. Okay, अब इसको check भी करना होता है कि क्या आपके पास ये return आ रहा है. जब आप इसको solve करवाएंगे, it will become t cube and it will become y cube. Okay, next step की तरफ move करेंगे. Formula की form में convert करने के बाद, अब आपने इस formula को open करना है. Open करने के लिए यहाँ पे आप suppose कर लेंगे a किसके equal है आपके पास t के, and b is equal to y. Okay, here we have t cube. After that, a plus b formula hai. Open form mein convert karne ke liye, sabse pehle aapke paas hai a plus b. So the value of a is t. It means aapne a ki jagah pe t place kar diya. Then plus sign formula ke through yahan pe place karenge. After that we have b. So the value of b is y. Then here we have a square. A square means the value of A is T. जब आप T का square करवाएंगे, it will become T square. Then minus sign आएगा यहाँ पे formula का. After that we have A B. A B means आपने इन दोनों की values को multiply करवाना है. So जब T को Y से multiply करवाएंगे, it will become T Y. After that we have a plus sign. Then here we have B square. So the value of b is y. जब आप y का square करवाएंगे, it will become y square. So सबसे पहले आपने step number 1 में common लेना है, अगर common हो, then आपने इस question को formula की form में convert किया, और जब भी आप common लेने के बाद formula की form में convert करवाएंगे, वहाँ पे आपने curly bracket में close करना है. Okay, next अब आपने क्या करना है, last step है हमारा, जहाँ पे आपने इस formula को open करना है by using the formula. So this is part number 5. Let's see part number 6 here. X raised to 4y upon 3 plus xy raised to 4 upon 81. So again आपने check करना है कि यहाँ से कुछ possibility है common की. अगर कुछ common है, तो वहाँ से आपने सबसे पहले common लेने हैं. Here we have x raised to 4 and here we have x raised to 1. X or x common hai, least power common lenge, it means aapne x raised to 1 ko common le liya. Here we have y raised to 1 and here we have y raised to 4. Least power common lenge, so here we have y raised to 1. After that, upon mein check karenge, here we have 3 and here we have 81. Ab aapne check ye karna hai ki kya 3 ki table mein 81 aata hai.
सो यस, 3 की टेबल में 81 आता है, सो आपने यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया, और अगर 81 ना आता हो तो आपने डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं लेना था. सो ये आपके पास कॉमन आ गया एक्स वाई अपॉन 3. अब इस कॉमन को आपने जस्ट कॉपी करते रहना है हर स्टेप के साथ. देन अब आपने रिमेनिंग चेक करना है. सो हियर वी हैव एक्स रेज टू 4 मीन्स 4 टाइम्स ऑफ एक्स इज प्रेजेंट हियर. जब आपने 19 कॉमन में प्लेस कर दिया, इट मीन्स आपने 3 टाइम्स यहाँ रिमेनिंग में प्लेस करना है. आफ्टर दैट वी हैव वाई रेज टू 1 जो कि कॉमन में ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, अपॉन 3. 3 भी आपने कॉमन में प्लेस कर दिया है, इट मीन्स अब इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करेंगे. सो इस टर्म का, फर्स्ट वाली टर्म का आपके पास रिमेनिंग है ओनली एक्स क्यूब. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन एंड हियर वी हैव एक्स रेज टू 1 मीन्स 1 टाइम्स ऑफ एक्स इज प्रेजेंट हियर. सो आपने 1 टाइम ऑफ एक्स ऑलरेडी कॉमन में प्लेस कर दिया है, दैट्स वाई अब आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना. आफ्टर दैट वी हैव 4 टाइम्स ऑफ वाई इज हियर. सो 4 टाइम्स ऑफ वाई में से जब आपने 1 टाइम ऑफ वाई यहाँ पे प्लेस कर दिया है कॉमन में, अब आपने रिमेनिंग में प्लेस करना है 3 टाइम्स ऑफ वाई मीन्स वाई क्यूब. आफ्टर दैट वी हैव अपॉन एंड देन 81. ओके, अब चेक ये करेंगे कि 3 की टेबल में 81 कितने टाइम्स पे आता है. सो 3 की टेबल में 81 आता है 27 टाइम्स पे. आपने कैलकुलेटर के थ्रू इसे डिवाइड करवाना है 81 को 3 से. जब आप 81 को 3 से डिवाइड करवाएंगे, इट विल बिकम 27. सो ये आपका कॉमन हो गया इस क्वेश्चन का, और ये आपके पास फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है और ये सेकंड टर्म का रिमेनिंग है. अब आपने अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फॉर्मूले की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट वी हैव एक्स वाई अपॉन 3, जो कॉमन होगा उसको कॉपी कर लिया. कॉपी करने के बाद जब भी कॉमन यूज करना है, कॉमन के साथ आपने कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है. सो हियर वी हैव, अब अगेन यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा ए क्यूब के लिए, देन प्लस का साइन. आफ्टर दैट वी हैव बी क्यूब. अब चेक ये करेंगे कि ए क्यूब के ब्रैकेट में आपने क्या प्लेस करना है. सो हियर वी हैव एक्स क्यूब. क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मीन्स हियर वी हैव टू प्लेस ओनली एक्स. देन हियर वी हैव वाई क्यूब अपॉन 27. वाई क्यूब मीन्स क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, हियर यू हैव टू प्लेस ओनली वाई अपॉन 27. 27 मीन्स आपने 27 कंप्लीट यहाँ पे प्लेस नहीं करना, बल्कि चेक ये करना है कि 27 किस नंबर का क्यूब है. सो 27 क्यूब होता है 3 का. सो हियर वी हैव 3. दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है, आपके पास ए की वैल्यू है, ए इक्वल है एक्स के, जबकि बी इक्वल है वाई अपॉन 3 के. सो वी आर गोइंग टू ओपन द फॉर्मूला. फॉर्मूला ओपन करने के लिए अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले कॉमन कॉपी करेंगे एक्स वाई अपॉन 3. आफ्टर दैट वी हैव ए प्लस बी. सो द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स. ए की जगह पे आपने एक्स प्लेस कर दिया जो कि ए की वैल्यू है. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन. ये प्लस साइन आपके पास फॉर्मूले में गिवन है. Then we have b, so the value of b is y upon 3. b की जगह पे आपने y upon 3 प्लेस कर दिया. Then we have a square, so a square means आपने क्या करना है, x के ऊपर स्क्वायर प्लेस करना है. ये रहा, x के ऊपर स्क्वायर प्लेस करवा दिया यहाँ पर, और जब x के ऊपर स्क्वायर प्लेस करवाएंगे, it will become x square. After that यहाँ पे आपके पास माइनस साइन है. Then we have a b, it means आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है. So the value of a is x एंड द वैल्यू ऑफ बी इज वाई अपॉन 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बिकम एक्स वाई अपॉन 3. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन एंड हियर वी हैव बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज वाई अपॉन 3. आपने वाई अपॉन 3 के ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया एंड हियर वी हैव वाई स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 9. सो इसको स्क्वायर करने के बाद आपके पास आंसर आ गया y स्क्वायर अपॉन 9. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 6. a x raised to 12 प्लस ए वाई रेज टू 12. सो अगेन सबसे पहले आपने चेक करना है कि इज इट पॉसिबल कि यहाँ से कुछ कॉमन आ जाए. सो यहाँ पे भी आपके पास ए प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी. इट मींस इन दोनों टर्म्स का कॉमन है ए. तो आपने ए को कॉमन ले लिया
After that, यहाँ पे remaining check करेंगे. A को common लेने के बाद इस term का remaining है x raised to 12 plus here we have y raised to 12. ठीक है, यहाँ से आपने a को common ले लिया था और इस वाली term से भी आप a को already common ले चुके हैं. So after that, अब आपने इस common a को just third step में copy करना है. So next step की तरफ move करते हैं. Second step में यहाँ पे common है, that's why आपने यहाँ पे curly bracket place करना है. After that, यहाँ पे first bracket है, this is for a cube plus b cube. So, अब आपने check ये करना है, यहाँ पे cube already placed है formula का. अब आपने check ये करना है कि 3 की table में 12 कितने times पे आता है. So, 3 की table में 12 आता है 4 times पे. So, this is a, ठीक है, अब आपके पास a जो है वो equal हो चुका है x raised to 4 के. Again, here we have y raised to 12, complete यहाँ पे put नहीं करेंगे. बल्कि चेक ये करेंगे कि 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स पे आता है. तो 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स पे. हियर वी हैव y रेज टू 4, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई. सो a इक्वल है x रेज टू 4 के, b इक्वल है y रेज टू 4 के. ये आपके पास a है और ये b. आफ्टर दैट अब आपने ये फॉर्मूला ओपन करना है. सो फॉर्मूला ओपन करने के लिए अब आपने चेक ये करना है. सबसे पहले आपके पास a, after that we have a plus b. So, the value of a is x raised to 4 plus sign. After that we have b here. So, the value of b is y raised to 4. ये bracket आपका complete हो चुका है. Next bracket की तरफ move करेंगे. First we have a square minus ab plus b square. A square means आपने A की value को square करवाना है. So the value of A is x raised to 4. X raised to 4 के ऊपर square apply करवाएंगे. It will become x raised to 8. 4 twos are 8. So we have here x raised to 4. After that here we have a minus sign. And then we have AB. It means आपने A की value को और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है. सो द वैल्यू ऑफ a इज x रेज्ड टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ b इज y रेज्ड टू 4. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आंसर आ गया x रेज्ड टू 4 y रेज्ड टू 4. यहां पे आप प्लेस करेंगे x रेज्ड टू 4 y रेज्ड टू 4. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन. ये प्लस साइन आपके पास फॉर्मूले में गिवन है. Then we have b square. B square means आपने b की value को square करवाना है. So the value of b is y raised to 4. इसके ऊपर square place करेंगे. So 4 twos are 8. It means b की value को square करवाने के बाद आपके पास answer आ गया y raised to 8. So here we have y raised to 8. So this is the final answer of question number 3. पार्ट नंबर 6. स्टेप नंबर 1 में आपने कॉमन लिया, अगर पॉसिबल हो तो कॉमन लेंगे. सो हियर वी हैव a, ठीक है, यहां पे इन दोनों टर्म्स का कॉमन था a. कॉमन लेने के बाद आपने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करवाया फॉर्मूले की फॉर्म में, और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के बाद आपने फॉर्मूले को यूज करते हुए, फॉर्मूले की ओपन फॉर्म को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. Let's solve question number 4, part number 7 here. R raised to 5 t square plus r square t raised to 8. Okay, ab again yahan pe check karenge. Possible hai ki kuch common le sake yahan pe. So here we have r raised to 5 and here we have r square. R is present here and r is also present here. So aapne r ko common lena hai aur common lene ke baad least powers ki r square hai. It means आपने square power को यहाँ से common ले लिया. Then we have t square here and here we have t raised to 8. Least power हमेशा common में place करते हैं. So आपने common ले लिया t square को. After that अब आपने इसका remaining check करना है. First term का remaining है हमारे पास r raised to 5 means 5 times of r is present here. 2 times जब आपने इसको remaining common में place कर दिया है, so 3 times अब आपने इसे remaining में place करना है. After that we have t square आप already common में place कर चुके हैं, that's why अब आपने इसे remaining में place नहीं करना. Then we have a plus sign here. After that we have r square here. R square आपने already common में place कर दिया है,
That's why अभी r square remaining में place नहीं होगा. Then we have t raised to 8 means 8 times of t is present here. आपने 8 times of t में से 2 times of t common में place कर दिया है. अब आपने 6 times of t remaining में place करना है. So here we have r cube and plus t raised to 6. ये आपके पास first term का remaining है और ये आपके पास second term का remaining है. ये कॉमन है इन दोनों टर्म्स का. स्टेप नंबर वन कंप्लीट है. सेकंड स्टेप की तरह मूव करेंगे. ये कॉमन जस्ट कॉपी करेंगे एंड अब आपने अपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है फॉर्मूले की फॉर्म में. सो फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे. दिस इज फॉर ए प्लस अगेन एक ब्रैकेट बना के इसके ऊपर क्यूब प्लेस कर देंगे. दिस इज फॉर बी और ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपने कॉमन लिया था. अगर कुछ कॉमन ना हो तो आपने कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करना. ओके नेक्स्ट हियर वी हैव आर क्यूब. क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है. इट मींस अब आपने यहाँ पे जस्ट आर प्लेस करना है. इसे सर्किल करेंगे और इसे ए कंसिडर कर लेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टी रेस टू 6. टी रेस टू 6 कंप्लीट यहाँ पे प्लेस नहीं करना बल्कि चेक ये करना है कि 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है. सो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स पे. हियर वी हैव टी स्क्वायर. इसे सर्किल करेंगे और इसे बी कंसिडर कर लेंगे. So the value of A is R and the value of B is T square. Next, we are going to open the formula here. सबसे पहले copy करेंगे R square, T square. ये common है. After that, हमारे पास bracket होता है. पहला first bracket जो होता है, this is A plus B. A plus B का है ये bracket. So the value of A is R. आपने A की जगह पे A की value place कर दी R. Then we have a plus sign. After that we have b, so the value of b is t square. ये आपके पास bracket complete हो गया a plus b का. Then we have a square minus ab plus b square. Okay, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे a square है. इसका मतलब ये है कि आपने a की value पे square apply करना है. a की value पे square करने का मतलब ये है कि आपने r के ऊपर square apply करना है. जब आप r के ऊपर square apply करवाएंगे, it will become r square. Next we have a minus sign here. After that we have a b. अब आपने a की वैल्यू को b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है. It means a की वैल्यू है r और b की वैल्यू है t square. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाएगा आपके पास r t square. After that we have a plus sign. Then we have b square here. B square means आपने b की वैल्यू पे square अप्लाई करना है. So the value of B is T square. T square पे जब again square apply करवाएंगे, it will become T raised to 4. So ये आपके पास step number 1, जिसमें आपने common और remaining का bracket लिखा था. Then आपने इस question को convert किया step number 2 में formula की form में. और उसके बाद formula use करते हुए आपने इस question को formula की open form में convert कर दिया. Okay, we have question number 2 here. Find the factors of part number 3, 2x cube minus 250t cube. अब आपके पास questions given है minus के और minus के question के लिए आपने formula use करना है a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square. ये minus का formula भी आप already 4.10 में discuss कर चुके हैं. So, आप question number 2 के सारे parts, means part number 1 till part number 6, and question number 4 का part number 5, and part number 6. Same pattern पे आपने solve करने हैं, इस formula को use करते हुए. So, first we have 2x cube minus 250t cube. Again, सबसे पहले आपने check करना है कि is it possible कि यहाँ से कुछ common ले लिया जाए? So, यहाँ से common आ सकता है 2, क्योंकि 2 की table में 2 भी आता है और 250 भी आता है. So, अब आपने यहाँ से common ले लिया 2. Common लेने के बाद, next we have here the bracket of remaining. Okay, next, जब 2 को यहाँ से आप common ले चुके हैं, so here we have only x cube. First term का remaining है x cube. After that we have a minus sign.
देन हियर वी हैव 250. अब चेक ये करना है कि 2 की टेबल में 250 कितने टाइम्स पे आता है. सो आपने 250 को 2 से डिवाइड करवाना है. इट विल बिकम 125. इट मींस 2 की टेबल में 250 125 टाइम्स पे आता है. देन वी हैव हियर टी क्यूब. ये आपके पास कॉमन है इन टू टर्म्स का. ये रिमेनिंग है एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म का. And this is the remaining of second term. Okay, ये step number one complete है. Second step में आपने अपने इस question को convert करना है formula की form में. So, formula की form में किस तरह convert करेंगे? सबसे पहले आपने common को copy करना है और जब भी आप common लेते हैं, आपने curly bracket use करना है. Curly bracket के अंदर first bracket, इसके ऊपर cube place करेंगे. This is for a minus, minus sign क्यों use करें? क्योंकि आपका question minus में given है. So, आपने यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज करना है. आफ्टर दैट अगेन एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे. दिस इज फॉर बी. ओके, अब चेक ये करना है कि इस ब्रैकेट में क्या फिल करना है और इस वाली ब्रैकेट में क्या फिल करना है. सो फर्स्ट वी हैव एक्स क्यूब. क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है. इट मीन्स हियर वी हैव ओनली एक्स. यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक्स रिक्वायर्ड है, एक्स पुट करना है आपने. आफ्टर दैट वी हैव हियर 125 टी क्यूब. ओके, 125 कंप्लीट यहाँ पे पुट नहीं करना, बल्कि चेक ये करना है कि 125 किस नंबर का क्यूब है. सो 125 क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है 125. सो हियर वी हैव 5. यानी कि जब आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 125. देन वी हैव टी क्यूब हियर. सो क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई अब आपने यहाँ पे जस्ट टी पुट करना है. ठीक है, क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, दिस इज 5t एंड दिस इज x. सो द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5t. नेक्स्ट, ये आपने अब फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने इसको ओपन करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला. सो फर्स्ट वी हैव 2 हियर. 2 को कॉपी करेंगे. देन वी हैव a माइनस बी. सो द वैल्यू ऑफ a इज x. माइनस साइन आपके पास फॉर्मूले के थ्रू आएगा. एंड देन वी हैव b एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5t. यहाँ पे a की जगह पे आपने x प्लेस कर दिया a की वैल्यू, और b की वैल्यू है आपके पास 5t. ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट है. सेकंड ब्रैकेट है आपके पास a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स आपने ए की वैल्यू पे स्क्वायर प्लेस करना है. ए की वैल्यू है x. जब आप x का स्क्वायर करवाएंगे, इट विल बी x स्क्वायर. देन वी हैव अ प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव ए बी. इट मीन्स कि आपने ए और बी दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है. सो द वैल्यू ऑफ ए इज x एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 5t. इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने पे आपका आंसर आ जाएगा 5xt. यहाँ पे प्लेस कर दिया आपने. Then we have a plus sign here. After that we have b square. B square means आपने b की value को square करवाना है. b की value है 5t. 5t पे जब आप square करवाएंगे, square apply करवाएंगे, so 5 का square होता है 25 और t का square हो जाएगा t square. So here we have 2. ये 2 common था. And then we have x minus 5t. After that x square plus 5xt. प्लस 25t स्क्वायर. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6. ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. ओके, अब सबसे पहले आपने चेक करना है कि यहाँ पे कुछ कॉमन है. यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है. कॉमन ना होने का रीजन ये है कि ये आपके पास न्यूमरेटर की फॉर्म में गिवन है और ये आपके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है. आप कॉमन लेंगे तो पूरा न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे, या फिर आपने डिनोमिनेटर से कॉमन लेना हो. ठीक है, आप इस तरह कॉमन नहीं ले सकते कि एक न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हैं और दूसरी टर्म से आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहे हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है. कॉमन ना होने का रीजन ये है कि ये आपके पास न्यूमरेटर की फॉर्म में गिवन है और ये आपके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है. ओके, जब कॉमन नहीं है तो अब आपने कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करना. आपने डायरेक्ट एक स्मॉल ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे. दिस इज फॉर ए माइनस, क्योंकि माइनस में क्वेश्चन गिवन है सो माइनस का फॉर्मूला यूज करना है. एंड दूसरी ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे. दिस इज फॉर बी.
सो अब आपने चेक ये करना है कि यहाँ से इस टर्म को देखते हुए इस ब्रैकेट में क्या फिल करना है. सो क्यूब ऑलरेडी प्लेस्ड है, ए के ऊपर आपके पास क्यूब गिवन है, क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस है. इट मीन्स हियर वी हैव ओनली ए. देन अगेन वी हैव बी क्यूब, क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है. सो अब आपने जस्ट यहाँ पे बी को प्लेस करना है. देन वी हैव सी क्यूब, क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है. इट मीन्स हियर वी हैव टू पुट ओनली सी. तो अब आप इसे सर्किल करेंगे और सर्किल करके इसके ऊपर पेंसिल से ए मेंशन कर देंगे. ओके okay, अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास ये रिटर्न आना चाहिए जब क्यूब अप्लाई करवाएंगे. सो फर्स्ट वी हैव ए क्यूब, देन वी हैव बी क्यूब, आफ्टर दैट वी हैव सी क्यूब. नेक्स्ट मूव करेंगे सेकेंड टर्म की तरफ. सो सेकेंड टर्म में हमारे पास वन अपॉन, अगेन यहाँ पे आपके पास ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब है. क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है. इट मीन्स हेयर यू हैव टू पुट ओनली ए बी एंड सी. ठीक है, इसे पेंसिल से सर्कल करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे ए. सो द वैल्यू ऑफ ए इज ए बी सी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज वन अपॉन ए बी सी. ओके नेक्स्ट स्टेप पे आपने फॉर्मूला ओपन करना है. फॉर्मूला ओपन करने के लिए आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में है ए माइनस बी. सो द वैल्यू ऑफ ए इज ए बी सी. आपने ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दी. आफ्टर दैट वी हैव अ माइनस साइन, देन वी हैव बी हेयर. सो द वैल्यू ऑफ बी इज वन अपॉन ए बी सी. नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स आपने ए की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करवाना है. जब आप इस वैल्यू पे स्क्वायर अप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. सो हियर वी हैव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. देन प्लस साइन आपका फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे आएगा. आफ्टर दैट वी हैव ए बी हेयर. इट मीन्स आपने ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है. सो द वैल्यू ऑफ ए इज ए बी सी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज वन अपॉन ए बी सी. ए बी सी और ए बी सी आपके पास कैंसिल हो गया. हेयर वी हैव ओनली वन. तब आपने ए बी की जगह पे वन को प्लेस कर दिया. आफ्टर दैट वी हैव प्लस, देन वी हैव बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मीन्स आपने बी की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है. जब आप इस वैल्यू पे स्क्वायर अप्लाई करवाएंगे सो वन का स्क्वायर वन है. देन ए स्क्वायर बी पे स्क्वायर अप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम बी स्क्वायर. और जब सी पे स्क्वायर अप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम सी स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2. ओके वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5. एक्स माइनस टू वाई होल क्यूब माइनस 64 जेड क्यूब. अगेन यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स गिवन है. सो आपने फॉर्मूले की फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है. और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे. देन माइनस साइन. आफ्टर दैट अगेन एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर भी क्यूब प्लेस कर देंगे. दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी. अब आपने चेक ये करना है अपने क्वेश्चन को देखते हुए कि ए के ब्रैकेट में क्या प्लेस करेंगे और बी की ब्रैकेट में आपने क्या प्लेस करना है. सो क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है. दैट्स व्हाई हियर वी हैव ओनली एक्स माइनस टू वाई. आपने यहाँ से जस्ट एक्स माइनस टू वाई पिक करके यहाँ पे प्लेस कर दिया. इसे पेंसिल से सर्कल करते हैं और इसके ऊपर ए मेंशन कर दिया. आफ्टर दैट हियर वी हैव 64. अब आपने चेक ये करना है कि 64 किस नंबर का क्यूब है. सो 64 हमारे पास 4 का क्यूब होता है. एंड हियर वी हैव जेड क्यूब. क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है. दैट्स व्हाई यू विल प्लेस ओनली जेड हियर. इसे सर्कल करेंगे और इसके ऊपर बी मेंशन कर देंगे. अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं. जब ये क्यूब 4 पे अप्लाई होगा इट विल बिकम 64. एंड जब ये क्यूब जेड पे अप्लाई होगा इट विल बिकम जेड क्यूब. ओके ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. अब फॉर्मूले को ओपन करना है. फॉर्मूले को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप है कि आपने ब्रैकेट्स के साथ इसे मेंशन करना है. और ब्रैकेट के साथ मेंशन करने का रीज़न क्या है, इसे डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पास जो ए टर्म गिवन है जिसे आपने ए कंसिडर किया है यहाँ पे आपके पास टू टर्म्स गिवन है. प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पे एक सिंगल टर्म थी ए के लिए और एक सिंगल टर्म है आपके पास बी के लिए. बट इस क्वेश्चन में आपके पास ए में सिंगल टर्म नहीं है. दैट्स वाई अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स के थ्रू इसे सॉल्व करना है.
सो फर्स्ट हियर वी हैव ए, ए के लिए एक ब्रैकेट बनाया माइनस साइन, एंड अगेन एक ब्रैकेट आपने बी के लिए बनानी है. आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स माइनस टू वाई, आपने ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दी. एंड हियर वी हैव बी, सो द वैल्यू ऑफ बी इज फोर जेड. ओके नेक्स्ट मूव करेंगे. सबसे पहले हमारे पास होता है ए स्क्वायर, इट मीन्स कि आपने एक ब्रैकेट बना के इसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया. दिस इज फॉर ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स माइनस टू वाई. देन वी हैव अ प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव ए बी, सो आपने एक ब्रैकेट ए के लिए प्लेस किया यहाँ पे और एक ब्रैकेट बी के लिए. एंड द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स माइनस टू वाई एंड द वैल्यू ऑफ बी इज फोर जेड. देन अगेन प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव बी स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ बी इज फोर जेड. ओके नेक्स्ट, अब आपने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए पैटर्न क्या होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अंदर जो ब्रैकेट्स आपके पास गिवन है इसे रिमूव करेंगे. एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर जेड. नेक्स्ट यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास गिवन है एक्स माइनस टू वाई होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मीन्स कि अब आपने यहाँ पे पूरा कंप्लीट ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके इसे सर्कल करेंगे, ये आपके पास ए है और टू वाई को सर्कल करने के बाद इसके नीचे बी प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट, फर्स्ट वी हैव ए स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स, एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर यूज होता है. देन वी हैव अ माइनस साइन. आफ्टर दैट वी हैव टू ए बी, द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स एंड द वैल्यू ऑफ बी इज टू वाई. नेक्स्ट प्लस देन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स टू वाई के ऊपर आपने होल स्क्वायर प्लेस कर दिया. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं. सो फर्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स को फोर जेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बिकम प्लस फोर एक्स जेड. देन वी हैव अ माइनस साइन हियर. आफ्टर दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बिकम एट वाई जेड. फोर टूज आर एट वाई जेड. देन अगेन आपके पास प्लस साइन है. देन फोर जेड स्क्वायर मीन्स 4 पे जब ये स्क्वायर अप्लाई होगा इट विल बिकम 16 जेड स्क्वायर. ओके नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, लेट्स चेक हियर. सो फर्स्ट वी हैव एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर जेड. इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. कॉपी करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है, दैट्स वाई आपने इसको यहाँ पे कॉपी करना है. देन वी हैव एक्स स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो टू टूज आर फोर एक्स वाई. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन, 2y होल स्क्वायर. फर्स्ट ये स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा, इट विल बिकम 4y स्क्वायर. ओके देन प्लस साइन, द रिमेनिंग वन इज 4xz माइनस 8yz प्लस 16z स्क्वायर. ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है, इसको जस्ट थोड़ा सा अरेंज करेंगे. ये फर्स्ट ब्रैकेट आपने कॉपी करना है, x माइनस 2y माइनस 4z. नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो भी स्क्वायर वाली टर्म्स उनको साथ प्लेस करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई. आफ्टर दैट वी हैव माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर एक्स जेड माइनस एट वाई जेड. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5. वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6. सिमिलरली 125 r square minus s plus 8t whole square. So, ये आपके पास first term है और ये आपके पास second term है. Two terms given है. It means ये formula की closed form given है. आपने इसको open करवाना है, open form में convert करना है. So, open form में convert करने के लिए सबसे पहले अपने इस question को convert करेंगे formula की form में. Formula की form में convert करने के लिए एक bracket place करेंगे, उसके ऊपर cube place कर देंगे. This is for a minus, अगेन एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस कर देंगे. दिस इज फॉर बी. अब अगेन 125 r क्यूब, 125 क्यूब होता है 5 का. सो हियर वी हैव 5 r. नेक्स्ट हियर वी हैव s प्लस 8t, क्योंकि क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आपने जस्ट s प्लस 8t को यहाँ से पिक किया और इस ब्रैकेट में प्लेस कर दिया. सर्कल करेंगे, ये आपके पास a है एंड अगेन दिस इज b. ओके इस क्वेश्चन में अगर आप बी को चेक करें तो आपके पास बी डबल टर्म है,
सिंगल टर्म नहीं है, दैट्स वाई अब आपने पूरा इसको ब्रैकेट्स के थ्रू ही सॉल्व करना है. सो फर्स्ट वी हैव ए, सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे ए के लिए, माइनस सेकेंड ब्रैकेट प्लेस करेंगे बी के लिए. सो द वैल्यू ऑफ ए इज 5r एंड द वैल्यू ऑफ बी इज s प्लस ए टी. नेक्स्ट प्रूव करेंगे, हियर वी हैव ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स 5r स्क्वायर प्लस a b. so the value of a is 5r and the value of b is s plus a t. then plus sign, after that we have b square. so the value of b is s plus a t or a square. aapke paas formula ka place ho gaya. then ab next check karenge, isko thoda sa solve karenge. so first we have 5r, is bracket se multiply karwayenge, is minus sign se is bracket ko multiply karwayenge, remove karwana hai. so minus plus माइनस एस माइनस प्लस माइनस ए टी, ये ब्रैकेट रिमूव हो गई. सो हियर वी हैव 5r माइनस एस माइनस ए टी. देन हियर वी हैव 5r स्क्वायर. 5r होल स्क्वायर मीन्स पहले ये स्क्वायर आपके पास 5 पे अप्लाई होगा, इट विल बिकम 25. देन ये स्क्वायर r पे अप्लाई होगा, इट विल बिकम r स्क्वायर. सो दिस इज 25r स्क्वायर. देन ये मल्टीप्लाई हो रही है दोनों ब्रैकेट्स, इट मीन्स 5r को पहले आपने s से मल्टीप्लाई करवाना है, इट विल बिकम 5rs. आफ्टर दैट वी हैव प्लस प्लस प्लस, देन आपने 5r को मल्टीप्लाई करवाना है at से, सो इट विल बिकम 5art. ठीक है, वेरिएबल्स को भी अरेंज करते जाएंगे साथ साथ. एंड हियर वी हैव प्लस s प्लस at होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा. सो फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ ए इज एस एंड हियर वी हैव 2ab, दिस इज फॉर ए. द वैल्यू ऑफ ए इज एस एंड द वैल्यू ऑफ बी इज ए टी. ठीक है, आपने आपने बी की जगह पे बी की वैल्यू प्लेस कर दी. सिमिलरली हियर वी हैव बी स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ बी इज ए टी. After that, first we have 5r minus s minus at. Then here we have 25r square plus 5rs plus 5art. So solve karenge, s pe square apply karvayenge, it will become s square. Then is multiply karvayenge 2ast. Variables ko arrange karke likhna hai aapne. Plus first ye square a pe apply hoga, then ye square t pe apply hoga, it will become a square t square. After that we have here 5r minus s plus at. कॉपी करना है इसे, क्योंकि कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, दैट्स वाई कोई भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. देन हियर वी हैव स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उसको एक साथ प्लेस करेंगे, जो भी टर्म्स हैं आपके पास उसको एक साथ प्लेस करनी है. सो हियर वी हैव 25r स्क्वायर, देन वी हैव प्लस s स्क्वायर. आफ्टर दैट वी हैव हियर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई. Then here we have 5rs, after that plus 5art plus 2ast. So this is the final answer.